बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अज़ीज़ाने गिरामी नबी अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था किरब कयामत में से होगा कि जाएगा पूछा गया या कुतुब दीनियाँ उठा ली जाएंगी? इरशाद फरमाया नहीं उठा लिए जाएंगे ज़माना क़ुरब क्यामत की निशानियों में से एक अहम तरीन निशानी होगी कि अहल इल्म उठा लिए जाएंगे गोया हम देखते हैं कि बमातल हा की जुबान मुबारक से जारी होने वाले अल्फाज की सदाकत यूँ ज़ाहिर हो रही है कि वक्त के बड़े बड़े इस दुनिया से पर्दा कर रहे हैं अभी चंद दिन पहले मेरे उसाद ग्रामी मुरबी व महसिन उसकुल मुफ्ती आज़म हज़रत शेख मुफ्ती गुल अहमद ख़ान अतीकी रहा तल का विशाल हुआ और आज अभी कुछ लम्हे पहले ख़बर मिली कि वली कामिलफ बिल्ला रूमी असर बोलते थे तो ऐसा लगता था जैसे हजरत जलालुद्दीन मौल रूम की रूह मुबारक हमसे मुखातब है आपके लफ्जों से आपकी गुफ्तू से आपके कलाम से हजरत मौला रूम की खुशबू आया करती थी मोहब्बतों के पैकर नफ़रतों हसद इनाद से कोसों दूर अखलाक नब्वी के कामिल नमूने यादगार असलाफ बतसलफ़ हजरत अशेख पीर सईं सरदार अहमद आलम कादरी रम्ह तशाल फरमा गए हैं नमाज ईशा की तैयारी कर रहे थे कि ये खबर मिली और दिल इंतहाई गमनाक हो गया अफसरदा हो गया कि ये कैसी कैसी बरकतें हमसे छिन रही हैं ये वो मुकदस मफूस थे कि जो सरासर मुआरे के लिए खैर थे ये वो लोग थे कि जो मुआरे के लिए खैर का सबब थे बरकत का सबब थे और बिलखसूस हजरत पीर साई सरदार अहमद आलम एक ऐसी कामिल और जाम वफ़ार शख्सियत के मालिक थे कि आपकी सोबत में बैठने वाला यूं समझता था कि शायद इस मजलिस में मैं ही सबसे बड़ा हूँ इतनी मोहब्बत अता फरमाते इतनी तवज् अता फ़रमाते जैसे फरमाया गया ना कि आका आसलाम की ये सिफ्त मुबारक थी कि हुजूर की मजलिस में बैठ के कोई खुद को छोटा नहीं ख्याल करता था उसे लगता था कि मैं बहुत फजलो कमाल वाला हूँ यही अख्लाक अल्लाह रबुलामी ने हज़रत पीर सरदार अहमद आलम राम तक़दस को अतः फ़रमाए थे कि आपकी मजलिस में बैठने वाला यूं ही ख्याल करता कि शायद इस मजलिस में से मैं ही सबसे बड़ा हूँ और आप जब कलाम फरमाते तो आपकी जुबान मुबारक से फूल झड़ते हिकमत वनाई के मोती अता फ़रमाते और मसनवी मानवी का दर्स तो आपका शोहरा या दरस था आपने एक ऐसी शानदार जिंदगी गुजारी है जो न सिर्फ आवाम के लिए बल्कि खवास यानी ओलमा के लिए भी मिशल रहा है मैं ये समझता हूँ कि अगर पीर साहब की सवान हयात अलमा मुताल फरमाए ख़ास तौर पर नौजवान ओलामा तो उनको खिदमत दीन और तबलीग दीन की राहें मुतन करने में आसानी हो जाए अभी चंद दिन पहले मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ आप शदीद अलील थे कमजोरी थी नकाहत थी इसके बावजूद मैं जब आपकी ख़िदमत में हाजिर हुआ तो ख़ादमीन से फरमाने लगे मुझे उठाओ पकड़ के मैंने सो मनत समाजत की कि हजूर आप शदीद अलील हैं बीमार हैं कमजोरी है आप मेहरबानी फरमाए बुजुर्ग हैं हम तो आपसे दुआ लेने के लिए आए हैं हम तो आपसे बरकत लेने के लिए आए हैं हम तो आपसे खैर के तलबगार बन के आए हैं आप ती फरमा रहे लेकिन वो नब्बी अखलाक के पैकर थे तो ख़ादमीन से कहा मुझे उठाओ और शदीद कमजोरी और नकाहत के बावजूद खड़े होके मुझे मिले दुआओं से नवाजा फिर आप ती फरमा हो गए तवील मुलाकात हुई हत्या कि मैंने महसूस किया कि वक़्त बहुत ज्यादा हो गया और हजरत को कमजोरी बहुत ज्यादा लाक है तो इतनी देर तक बैठना नहीं चाहिए इजाजत लेनी चाहिए तो मैंने उसकी दुआ फरमाए फरमा नहीं दुआ भी तुम ही करोगे तो मैंने उसकी हजू इजाजत ता फरमाए उस वक्त इतने कलिमात खैर से नवाजा और दौरान मजलिस बार बार फरमाते रहे मैं आपकी गुफ्तु सुनता हूँ मैं अक्सर आपकी तकरीर सुनता हूँ आपका बयान सुनता रहता हूँ आपके दरस सुनता रहता हूँ मेरा दिल चाहता था मैं आपसे मिलू अल्लाह ने कर्म किया आप खुद चल के मेरे पास आ गए इतने कलिमात खैर से नवाजा मैं समझता हूँ ये इंतहाई वुसत ज़रफ़ वाला आदमी ही इस तरह की बात कर सकता है जो अपने से कई दर्जे छोटे आदमी को इतना बड़ा बना दे इतना बड़ा बना दे इतना बड़ा बना दे कि वो गुमान करे कि शायद मैं बहुत कुछ हूँ यकीनन ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे मुबारक का फैज़ था जो हजरत साईं सरदार अहमद आलम साहब के दिल दिलो दिमाग पर गालिब था और उनके दिल से वही बात निकलती थी जो दूसरों के लिए और माशरे के लिए खैर का सबब बन जाती थी आप बिलाशुबा लाखों अफराद के शेख थे ना सिर्फ आवाम के बल्कि बड़े बड़े और मशाइख शय़ुल कुरान और हदीस आपके जानु तलम उस तय करते रहे आपसे अकीदत रखते थे आपसे इरादत रखते थे आपके मुरीद थे और जब मैं रुखसत होने लगा तो फिर खड़े होके मुझे रवाना किया और दुआओं से नवाज़ा गोया पीर साहब ऐसी जाम सिफ़ात शख्सियत थे कि जिसको लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता मैं इस सानतहाल पर आपके जुमला साहबजाद गान आपके बरदर मुकर्रम और आपके तमाम मुरीदीन और ख़ानक आलिया कादरिया जीमिया खरेपड़ शरीफ़ के जुमला वबस्गान से इजहार तज़ियत करता हूँ अल्लाह हज़रत के दर्जा बलंद फरमाए आपने अपनी हयात मुबारक में जो एक अज़ीम यूनिवर्सिटी बनाई मदरसा क़ायम फ़रया खानक निज़ाम को ना सिर्फ जारी और सारी रखा बल्कि उससे इसलाफ के तरीक़ार के मुताबिक जारी व रखा अल्लाह रबालमीन आपकी इन तमाम मसाईए जमीला को शरफ़ कबूलीत से नवाजे और आपकी दी मिली कौमी खिदमत को न सिर्फ शरफ़ कबूलीत फ़रमाए बल्कि सुबह क्यामत तक इसका फैज़ जारी व सारे रखे मेरे दिल में हजरत के मुतिक बहुत सारे खैर के जज्बात हैं मैं अल्लाह के वजूर दुआो हूँ अल्लाह रब्लम अदरत के दर्जात मजीद बलन से बलन फरमाए अलकम वरमि वबरक